Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Dear students, hope inshallah aap sab bakhair o afiyat honge aur hamara jo topic chal raha tha dual nature of matter and radiation aur usme jo hamara previous topic tha wo humne discuss kiya tha basically jo hamare paas wave hoti hai photoelectric effect usme humne stopping potential dekha tha saturation current dekha tha aur how stopping potential varies with intensity और energy के साथ उसका क्या relation है तो ये हमने almost previous class में सारी चीज़ें discuss की हैं. आज जो हमारा topic है वो बहुत important topic है, फिर से dual nature के ही terms में हम बात करेंगे. आज जो हमारा topic है वो है basically wave nature of matter. Wave nature of matter, तो आप लोग heading note करिए, wave nature of matter. वेव नेचर ऑफ मैटर. अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? पार्टिकल नेचर ऑफ वेव का पार्टिकल नेचर है वो हमने प्रीवियस सेशन में देखा फोटॉन, और उसमें से हमने डिस्कस किया अबाउट प्रूव किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने प्रूव कर दिया वहां पर. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब हमने प्रूव कर दिया तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि एक फोटॉन आता है और फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकालता है और फोटो करंट चलती है, फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकालता है, रेडिएशन जो है. और वहां से हमें यह पता चला ये फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, फोटो करंट बनती है. तो हमने ये कंक्लूड किया कि बेसिकली जो हमारे पास फोटॉन है उसके पास वेव नेचर होता है, यानी फोटॉन के पास वेव नेचर होता है. तो वहां से फोटॉन जो है, हम मान के चलते हैं लाइट जो है, लाइट क्या है? लाइट अभी तक हम वेव मानते थे. लाइट जो है, रेडिएशन जो है, लाइट बोलो या कोई किसी तरह का आप रेडिएशन बोल सकते हो, ये जो रेडिएशन है, लाइट है, ये हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूव कर दिया कि इसके पास वेव नेचर होता है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है, हैज पार्टिकल नेचर. यानी लाइट जो एक वेव है इसके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये बात कंफर्म हुई, हैज पार्टिकल नेचर. यानी जो लाइट है, यानी जो फोटॉन है, फोटॉन के पास कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है. ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है. फोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, पार्टिकल पार्टिकल से टकराएगा तभी तो बाहर निकलेगा. एक फोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन पर पड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर गया, तो इसका मतलब फोटॉन के पास पार्टिकल नेचर है, ठीक है. और यही चीज यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें समझाई थी, और ये जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया उसने हमें ये चीज बताई कि बेसिकली फोटॉन जो है, लाइट जो है, जो रेडिएशन है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट हैज बेसिकली पार्टिकल नेचर. नाउ ये जो लाइट है, लाइट के पास जो हमारे पास पार्टिकल नेचर है, लाइट के पास जो पार्टिकल नेचर है, ये कब तक? हम अभी अगर 190 की बात करें, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट के पास जो नेचर है, पहले हम इसके वेव नेचर को डिस्कस करते हैं. वेव नेचर, लाइट के पास वेव नेचर है, और कब तक ये हम मानते थे? 1905 तक हम लाइट के वेव नेचर को डिस्कस करते हैं. और वहाँ से वेव नेचर से हम कौन कौन से फिनोमिना पढ़ते हैं, कौन कौन से फिनोमिना इससे डिस्कस होते हैं, वो होते हैं इंटरफेरेंस. जैसे अगर लाइट को वेव मानेंगे तो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, आपके सिलेबस में, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं. यानी लाइट इंटरफेरेंस दिखाती है, शो करती है बाय वेव नेचर, जब हम लाइट को वेव नेचर मानते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. और साथ साथ में और एक चीज भी पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन का फिनोमिना हम पढ़ते हैं जब हम लाइट को एज ए वेव मानते हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं. और साथ साथ में पोलराइजेशन, यानी ये सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि लाइट के पास बेसिकली वेव नेचर होता है. ये इन फिनोमिना से हमें पता चलता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, डिफ्रैक्शन से,
पोलराइजेशन से, ये हम डिस्कस करते हैं कब, जब हम लाइट को मानते हैं, जब हम लाइट को एज अ वेव नेचर मानते हैं। लेकिन लाइट को जब हम पार्टिकल देखते हैं, जब हम लाइट को पार्टिकल, वो किस किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है, अगर हम लाइट को पार्टिकल उसके बाद में 1905 के बाद में लाइट को जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, वहाँ से हमने लाइट फोटान को पार्टिकल मान के जो पार्टिकल नेचर हमने देखा, उस पार्टिकल नेचर को हमने कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, उसमें से हमने पहले ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये शो कर दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया, वो इस बात की गारंटी देता है, इस बात का प्रूफ देता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। और एक फिनोमिना भी है, दैट इज नोन एज क्रॉम्पटन इफेक्ट और एक फिनोमिना है, अगर आप याद रख सकते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट, ये भी हमें लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, ये प्रूफ करा देता है। साथ साथ में और एक चीज पिछले वाले लेक्चर में भी बोला था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये ऐसे फिनोमिना है जो हमें ये बताते हैं कि बेसिकली लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, क्रॉम्पटन इफेक्ट से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये बता सकते हैं कि लाइट के पास जो पार्टिकल नेचर है। और जो हम लाइट को एज ए वेव मानते हैं, तो उसमें से हमारे पास जो बहुत सारे फिनोमिना हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, तो ये ऐसे फिनोमिना हैं जो लाइट को प्रूव कराते हैं कि इनके पास बेसिकली वेव नेचर होता है। ये हम प्रूव कर गए हैं। नाउ उसके बाद में अब लाइट के पास लाइट एज अ वेव हम मानते हैं, उसके पास वेव नेचर तो पहले से ही डिस्कशन में था, डिस्कस हुआ था, लेकिन फिर पार्टिकल नेचर इसका डिस्कस हुआ, तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, उसको बोलते हैं डी ब्रोगली, और हम इसको बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी इसको हम बोलते हैं। डी ब्रोगली ने क्या बोला? डी ब्रोगली ने बोला ऐसा नहीं हो सकता कि खाली लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, यानी लाइट के पास वेव नेचर भी है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, और इसी को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था डी ब्रोगली या हम इसको बोलते हैं डी ब्रॉय साहब ने, उसने क्या बोला? उसने ये बोला भाई नेचर सिमेट्री को लव करता है, नेचर हैज सिमेट्री का मतलब क्या है? इसने ये बोला कि नेचर हैज सिमेट्री इसका ये मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर लाइट के पास वेव नेचर भी है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, और डी ब्रोगली ने ये बोला कि नेचर हैज सिमेट्री, इसका मतलब ये है कि अगर लाइट के पास दोनों नेचर है तो मैटर के पास भी दोनों नेचर होने चाहिए, यानी होने नहीं चाहिए, मैटर के पास भी दो नेचर हैं, यानी जो पार्टिकल है, पार्टिकल तो पार्टिकल नेचर हो गया, पार्टिकल को साथ साथ में वेव नेचर भी होता है। तो नेचर अगर सिमेट्री है तो इसका ये मतलब है कि अगर मैटर है तो मैटर कन्वर्ट एनर्जी में हो सकता है, मैटर बनती है एनर्जी, यानी पार्टिकल, मैटर जो है इसको हम पार्टिकल बोलेंगे, पार्टिकल को हम क्या बना सकते हैं? एनर्जी, और एनर्जी से हमें क्या बनेगा? एनर्जी से हमें वापस पार्टिकल मिलेगा, यानी एनर्जी से हमें वापस मैटर मिलेगा, ये सिमेट्री इसने बोल दी। ये नेचर के पास सिमेट्री है कि हम पार्टिकल जो है उससे हम एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी से मास बना सकते हैं, यानी एनर्जी से मास और मास से हम एनर्जी बना सकते हैं, और ये सिमेट्री होनी चाहिए। और यही चीज होगा, पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होता है, हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वेव जो पार्टिकल है इसके पास
वेव जो पार्टिकल है तो पार्टिकल भी वेव है, ये चीज हमें डी ब्रॉगी साहब ने बता दी, ठीक है। तो मैटर पार्टिकल, मैटर जो है, अब इसी ध्यान से देखिए, ये जो मैटर है हमारे पास, मैटर, अब देखिए मैटर जो है, मैटर यहां क्या थी, लाइट, यहां क्या थी वेव, यहां क्या थी रेडिएशन। मैटर के पास, मैटर के पास कौन सा नेचर है, पहले तो इसके पास पार्टिकल नेचर है ही, पार्टिकल नेचर। और इसने बोला मैटर के पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ इस मैटर के पास वेव नेचर भी है, वेव नेचर होता है, नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं दिया इसने, बस इसने खाली बता दिया कि ऐसा ही है, बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री। और इसने तब तक, नो एक्सपेरिमेंट वॉज डन, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बस बात बोल दी इसने, बाकी इसको बोला गया एक्सपेरिमेंटली नहीं भाई, नेचर सिमेट्रिक सिमेट्री चाहता है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल के पास वेव नेचर होगा, इस बात का कोई एक्सपेरिमेंट तब तक नहीं हुआ था, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी, बस इसने ये चीज बताई। अब इसका ये मतलब हो गया कि हम आमतौर पर जिंदगी में कभी बोलते हैं कौवा उड़, चिड़िया उड़, और कभी कभी हम ये भी बोलते हैं गधा उड़, गधा क्या कभी उड़ता है, गधा उड़ता है, तो इस बात की तो प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन हम बोलते हैं गधा उड़, तो इसका ये तो ऐसे ही होगी। तो इसी तरह इसने बोला कि मैटर के पास भाई वेव नेचर है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, फिलहाल इसने बात कह दी। एक्चुअल में ये जो डी ब्रॉगली थी, इसने ये एक पीएचडी स्टूडेंट, एक पीएचडी कर रहे थे, उसके बाद में इसको डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। ड्यूरिंग पीएचडी इसने एक हाइपोथेसिस, इसने एक थीसिस दी, और उसी थीसिस में उसने क्या लिखा, उसी थीसिस में उसने बोला कि ये जो मैटर है, ये जो पार्टिकल है, इसके पास वेव नेचर है। अब ये थीसिस क्या होती है आप लोगों को पता नहीं होगा, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर हम मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स के बाद हम पीएचडी करते हैं, डॉक्टर्स की डिग्री करते हैं, उसमें हमें रिसर्च करना होता है, उसमें हम थीसिस बनाते हैं, उस पर हम कुछ नया देना चाहते हैं, यानी नया कुछ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिसर्च। इसने 5 साल के रिसर्च में ये बताया, जब 5 साल हुआ इसको, 5 साल मिनिमम लगते हैं, तो उसने ये बताया उस रिसर्च में, उसने ये लिखा कि मैटर के पास वेव नेचर है, यानी पार्टिकल के पास वेव नेचर है, और जो इसके गाइड होते हैं, जो इसके सीनियर होते हैं, उसने ये चीज रिजेक्ट कर दी। अगर 5 साल में ये आपके गाइड को, जो आपका सीनियर होता है, जिसके अंडर आप काम करते हो, अगर उसको ठीक नहीं लगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, ये थीसिस रिजेक्ट हो जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा इसने थीसिस में क्या बताया, वो आप ध्यान से सुनिए, इस थीसिस में इसने क्या बताया, उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, यही हमारा क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अपने रिसर्च में इसने एक थीसिस बनाई, उस थीसिस में इसने क्या लिखा, हाइपोथेसिस में इसने क्या लिखा, इसने बोला, बड़ी अजीब बात बोली, बड़ी बोल्ड बात बोली इसने, यानी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, फिर भी ऐसे ही बात बोल दी इसने। बात क्या बोली, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, दीज वर्ड्स, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। नोट कर सकते हैं आप, एवरी मूविंग पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल, every moving particle has a wave associated with it, इसका यह मतलब है मैं एक पार्टिकल हूं, यह बोर्ड एक पार्टिकल है, यह चाक एक पार्टिकल है, यह कैमरा एक पार्टिकल है, मैटर है, इसके साथ एक वेव है, ये भी वेव है, ये भी एक वेव है, यार ये तो बैठने के लायक बात ही नहीं है, यानी मेरे साथ एसोसिएटेड एक वेव है, ये अलग तरह की एक
वेव है, मेरे साथ एसोसिएटेड एक वेव है। और इस वाले जो इसने थीसिस में लिखा, इसके जो सीनियर थे उसने इस थीसिस को नकार दिया, बोला कि है डी ब्रॉय साहब आप बिल्कुल सटेले हुए हो, आपका दिमाग हो गया है, ये रिजेक्ट हो गए। फिर उसी यूनिवर्सिटी में ये बात एक ऐसे साइंटिस्ट के टेबल पर आ गई कि भाई कमेटी बिठाई गई, बोला गया भाई फलानी थीसिस में ये बोलता है तो इसको क्या करेंगे, इस स्टूडेंट का क्या करेंगे। तो टेबल पर बात आ गई सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के। अब अगर ये रिजेक्ट होती तो इसको डॉक्टरेट नहीं मिलता, तो इसको फिर से रिसर्च करना था। लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा कि बंदा लिखता क्या है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ये बोलता है कि इसकी बात में दम है, इसकी बात में दम है, भले ही कोई प्रूफ नहीं है लेकिन कुछ तो बनता है। तो इसने बोला भैया इसको आप डॉक्टरेट की डिग्री दे दो, इसको पास करा दो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इसकी बात में दम है। और इसने ये कह दिया और ये बात फिलहाल उन्होंने मानी, लेकिन इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको ये बना के दिया है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको बताया कि इसका सही है, फिलहाल आप चलिए फिलहाल इसको आप डॉक्टरेट की डिग्री दीजिए, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये जो एवरी मूविंग, उसके बाद में धीरे धीरे प्रूव हो गया, उसके बाद में साइंटिस्ट आ गए, उसका नाम है डेविसन एंड जर्मर। ये प्रूव हुआ, डेविसन एंड जर्मर जो साइंस एक्सपेरिमेंट था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जर्मर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करके ये चीज प्रूव कर दिया कि बेसिकली जो पार्टिकल है उसके पास वेव नेचर भी होता है। और आप लोगों ने सुना होगा नाम जो जे जे थॉमसन है, एटॉमिक एटम्स वाले जे जे थॉमसन, ये प्रूव कर दिया जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने नहीं, जे जे थॉमसन के बेटे जी पी थॉमसन ने, जी पी थॉमसन ने ये प्रूव कर दिया कि ये बंदा सही बोलता है, इसने ये चीज प्रूव कर दी। फिर इसको एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट एंड डी ब्रॉगली गॉट द नोबल प्राइज फॉर इट, नोबल प्राइज विनर रहे हैं इस बात के। देखो जब उसने बोला तब कोई प्रूफ नहीं था, फिर साइंटिस्ट्स को ये बड़ा परेशान कर देते भाई कैसे, ये कैसे है। फिर धीरे 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 एक्सपेरिमेंट होते गए और इस बात का प्रूफ मिल गया कि एक्चुअली एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव एसोसिएटेड विद इट, हर किसी मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। और फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ, जे जे थॉमसन के बेटे जी पी थॉमसन ने इस बात को प्रूव कर दिया कि बेसिकली जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वो सही है। उसने क्या बोला, व्हाट ही सेज, इसने बोला कि बेसिकली ये चीज मैं फिर से यहां पर दिखाता हूं। अब ये बात प्रूव हो गई तो बोला क्या था इसने, एक्चुअल में इसने क्या बोला था, इसने बोला एक्चुअल में इसने क्या बोला था, इसने बोला कि व्हाट ही सेज, इसने क्या बोला, इसने बोला हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m, इस पार्टिकल का मास है m, और अगर इस पार्टिकल के पास मास m है तो अगर इसके पास वेलोसिटी v देंगे हम, इसके पास वेलोसिटी v, he said that it is not a particle, now mass is a particle and it has given some velocity, तो ये मूव करेगा। इसने बोला ये खाली आप क्या बोलते हो, ये पार्टिकल नहीं है, ये वेव है, क्या है, ये पार्टिकल नहीं है। अरे बोलता है कि ये मास है, मास को वेलोसिटी, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, ये मास m वाला पार्टिकल है, इसको वेलोसिटी v दी दी, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो बुजुर्गों दोस्तों इसका मोमेंटम कितना होगा, एम वी इसका मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा, एम वी। और इसने बोला ही सेड दैट इट इज नॉट पार्टिकल, इट इज अ वेव, इट इज नॉट ए पार्टिकल, इट इज नॉट ए पार्टिकल, इट इज नॉट ए पार्टिकल, इट इज ए वेव, इट इज अ वेव। अगर ए वेव है तो इसका वेव लेंथ होना चाहिए, इट इज अ वेव ऑफ वेव लेंथ लैम्बडा, इट इज अ वेव ऑफ वेव लेंथ लैम्बडा,
एंड दैट लैम्डा, ये जो वेवलेंथ है इस पार्टिकल की जो वेवलेंथ है, अभी हम इसको खाली पार्टिकल मानते थे, इसने बोला अगर इसके पास वेलोसिटी वी है तो इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट विल बिहेव एज अ वेव, और उस वेव के पास क्या होना चाहिए, उस वेव के पास वेवलेंथ होनी चाहिए, उस वेव के पास क्या होना चाहिए, वेव लेंथ होनी चाहिए, और वो जो वेव लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल है वो वेव लेंथ बराबर होती है एच बाई पी। ये चीज इसने बताई, अरे देखो बताया क्या इसने, अब देखिए वेव लेंथ बराबर होती है एच बाई पी के, एंड व्हाट इज एच, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, याद रखो इसको, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.62, इसका अभी तक परफेक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, 6.626 इंटू 10^-34 इसका जूल सेकेंड, ये इसके बराबर है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के, राइट, पी एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, एंड व्हाट इज पी, शाबाश, पी इज पार्टिकल मोमेंटम, यहां हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पी इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, पी इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंटम पी है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एंड लैम्ब्डा, लैम्ब्डा इज द वेव लेंथ ऑफ दैट वेव विच इज एसोसिएटेड विथ इट, lambda is the wavelength of particle which is associated with it, so ye jo hai ye hai wavelength of particle, ye hai wavelength of particle, ab dekhiye is equation mein ye kitni achhi aur kitni khas equation hai, isme ye agar dekha jaye momentum particle ka hota hai to mere khayal se isme particle nature bhi hai, पार्टिकल नेचर भी है, और इसमें वेवलेंथ वेव के साथ होता है और ये इसका वेव नेचर भी है, यानी ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दोनों चीजें हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, इसमें वेव नेचर भी है और साथ साथ में पार्टिकल नेचर भी है, यानी इसमें पार्टिकल नेचर भी है और इसमें वेव नेचर भी है, और ये चीज इसने बताई कि ये जो Every moving particle has a wave associated with it. ये जो वेव है पार्टिकल के साथ जो वेव है वो वेव जो है वो वेव जो है उसकी जो वेव लेंथ होती है वो वेव लेंथ होती है h प्लैंक्स कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई p. ये वेव नेचर है, ये पार्टिकल नेचर है, ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में बोला गया, कोई प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ कोई नहीं है अभी, ठीक है, ये चीज बताई गई कि जो वेव लेंथ है वो h बाई पी के बराबर है और उसमें एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट, एंड दैट वेव लेंथ ऑफ दैट वेव दैट इज h बाई पी, और इस वाली इक्वेशन में दोनों चीजें हैं, इसका p मोमेंटम पार्टिकल नेचर भी है और साथ साथ में वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल वेव नेचर भी है, ये इसका वेव नेचर भी है, इसको आप नोट करिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए नोट करो, हो गया नोट, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये जो वेव है, ये वेव जो है इसने बोला भाई ये एक ऑर्डिनरी तरह का वेव नहीं है, जैसे बाकी वेव्स होती हैं, सर बाकी वेव्स कौन कौन सी होती हैं, और हमारे पास तो एक वेव होती है वेव इन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जो वेव होती है वो भी तो एक वेव है, अरे ये उस तरह का वेव नहीं है, स्ट्रिंग वाली वेव नहीं है, उस तरह का वेव नहीं है ये, फिर कैसा वेव है ये, हमने साउंड वेव का नाम सुना है, साउंड वेव उस तरह का वेव नहीं है ये, लाइट वेव उस तरह का वेव नहीं है ये, ये एक अलग तरह का वेव है, खास किस्म का वेव है ये, ये जो डी ब्रॉगली ने बताया कि ये वेवलेंथ जो है, वेव जो है ये खास किस्म का वेव है, उस वाली वेव का जो नाम है, उस वाली वेव का नाम रखा गया मैटर वेव,
कौन सा नाम रखा गया? मैटर वेव। तो ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव का नाम रखा गया मैटर वेव, क्योंकि ये वाली वेव एसोसिएटेड होती है विथ ए मैटर विथ ए मूविंग पार्टिकल, इसीलिए इस वाली वेव का एक खास नाम दिया गया और वो बताया गया कौन सी वेव? मैटर वेव। दिस टाइप ऑफ वेव इज अ मैटर वेव, और इसी टाइप ऑफ वेव जो मैटर वेव है, और इसी मैटर वेव का जो लैम्डा बताया गया वो बताया गया h/p। ये इस तरह का वेव है, h/p इसका बताया गया। दिस इक्वेशन इज ऑनली फॉर दिस मैटर वेव हुज लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसका वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। नाउ साइंटिस्ट जो है ट्राई टू एक्सप्लेन दिस तरह, ये किस तरह का वेव है, तो ये इसी में लग गए कि इसने नोबेल प्राइज भी ले लिया, इसने ऐसी बात बता दी जिसका अभी तक प्रूफ नहीं है, तब ये इसके पीछे लग गए कि आखिर ये किस तरह का वेव है, ये कैसा वेव है, ये इस तरह का वेव है, किस तरह का वेव है। ठीक है, नाउ इसने बोला कि एक्चुअल में इसने क्या बोला, इसने ये बोला सपोज हमारे पास एक आदमी है या एक बॉल है, एक आदमी मान के चलते हैं, ये हमारे पास एक आदमी है, ध्यान से देखिए गोलू मोलू टाइप का, इसका मास सपोज हम मानते हैं इसका मास है 100 kg। ठीक है, इसका मास मान लो इसका मास है 100 kg, 100 kg इसका मास है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है 10, अभी ये 10 मीटर वेलोसिटी से चल रहा है। ध्यान से देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ, अब इस वेव को देखना है ये किस तरह का वेव है। अब अगर इसकी इस मास का वेलोसिटी वी है, तो इस हिसाब से अगर इसका वेव लेंगथ होगा लैम्ब्डा, वो लैम्ब्डा कितना होगा, शाबाश, वो लैम्ब्डा कितना होगा, वो होगा 6.626 × 10⁻³⁴, और मोमेंटम एम वी होता है, एम है 100 इंटू जो वी है डेट इज 10, ये बनेगा 10⁻³, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो लैम्ब्डा जो है वो लैम्ब्डा निकलेगा 6.626 × 10⁻³⁷, इसकी वेवलेंथ होगा 10⁻³⁷ मीटर, 10⁻³⁷ मीटर की, 10⁻³⁷ मीटर की वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली ने बोला मैं क्या कर सकता हूं, ये वेवलेंथ तो आप मेजर ही नहीं कर सकते, दिस टाइप ऑफ वेवलेंथ कांट बी मेजर्ड, तो व्हाट कैन आई डू, ये इसी तरह का वेव है, यानी ये इतना स्मॉल वेवलेंथ वाला वेव है जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, एंड दिस टाइप ऑफ लैम्ब्डा कांट बी मेजर्ड एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड, हम कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लेंगे 10⁻³ में, तो ये बनेगा 34, अगर इसको 10⁻⁰ में ले लेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया एंगस्ट्रॉम में, 10⁻²⁷, इसका आंसर आ गया 37 आ गया था ना, ये 37, अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 10⁻⁰ की सूरत में ये बनेगा लैम्ब्डा इज इक्वल 6.626 × 10⁻²⁷ एंगस्ट्रॉम। इस तरह का वेव हम किस तरह का वेव डिटेक्ट कर सकते हैं, किस लैम्ब्डा किस वेवलेंथ का वेव हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम वेवलेंथ वो वाली डिटेक्ट कर सकते हैं जो 10⁻³ एंगस्ट्रॉम में होगी। आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सरेज तक गामा रेज तक हम जा सकते हैं, उससे आगे कहां जाएंगे, कहां मेजर करेंगे, वहां तक तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया, ये इतनी छोटी वेव है 10⁻³⁷, हम तो 0.001 तक जा सकते हैं एंगस्ट्रॉम में, लेकिन 10⁻³⁷ को हम कहां डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की, तो डी ब्रॉगी यहां पर भी बच गए, बोला मैं क्या कर सकता हूं, ये इस तरह का वेव है, इसको तो आप मेजर ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और वो इस तरह का वेव होता है, और इस तरह की वेव को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इस तरह की वेव को हम मेजर नहीं कर सकते, 0.01 एंगस्ट्रॉम तक हम जा सकते हैं, लेकिन 10⁻³⁷, 10⁻²⁷ तो हमारे बस की बात नहीं है।
तो यहां पर फिर से सोचना पड़ा कि एक्चुअल में हम क्या करेंगे। तो फिर डी ब्रॉगी साहब से बोला गया कि क्या करेंगे, आखिर किस तरह का वेव है। इसने बोला ये जो एसोसिएटेड वेव है ये इतने बड़े बड़े मासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 10^-27, तो इसने बोला इतने बड़े बड़े मासेस के लिए ये चीज नहीं है। अब हम ये वेव लेंथ फाइंड आउट करेंगे, वेव लेंथ उन पार्टिकल्स का निकालें यानी बहुत छोटे, यानी अब हम यूनिवर्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर जाएंगे, यानी यूनिवर्स के एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर जाएंगे। तो उनके लिए जब हम वेव लेंथ फाइंड आउट, इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस वेव लेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, स्मॉल मासेस के लिए, बहुत छोटे छोटे मासेस के लिए क्या इस तरह की वेवलेंथ पॉसिबल है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कहां से स्टार्ट करना है, अभी बड़े मासेस के लिए 100 केजी वाले मासेस के लिए नहीं जाएंगे, हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे दीज टाइप ऑफ मासेस आर वेरी हैवी मासेस। लेट मी डिस्कस अबाउट द वेवलेंथ ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स, और मैं एलिमेंट्री ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स से अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करता हूं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आप सबको ये वाला आज वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो ऑफलाइन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक्स फॉर दिस डे, थैंक्स फॉर दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।